क्या खूबसूरत नज़ारा। गाड़ी मत लाइए भाई, थोड़ा डर रहा है थोड़ा। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो फाइनली गाइज आज मैं आया हूँ थोड़ी मोहान क्षेत्र में, और जैसा कि अभी मैं हूँ कोसी रिवर के पास में, और मेरे पीछे जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं गाइज, ये घर दिखाई दे रहे हैं आपको चुकम ब्लेस के, जो कि रिवर से एकदम लगे हुए घर देखने को मिल रहे हैं। और अभी है क्या, इस बीच में जो बारिश हुई थी और बारिश से जो नुकसान हुआ है गाइज, वो नुकसान हुआ है चुकम ब्लेस में। यही कोई 2 से 3 घर इस जगह पे बहे हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अभी है क्या, चुकम ब्लेस की तरफ ना कुछ ब्लॉक्स भी बने हुए थे जो कि चुकम गांव को कोसी नदी का जो फ्लो है उससे बचाने के लिए इस जगह पे ब्लॉक्स बनाए गए थे। सो वो तो अपनी जगह पे नज़र आ रहे हैं, बट जो पानी का फ्लो था ना गाइज, अभी ये देखिए मैं इस तरह की जगह पे खड़ा हूँ तो इस तरफ आपको नज़र आ रहे होंगे काफ़ी सारे पेड़ जो कि नदी में बहकर आए हुए हैं, और पीछे की तरफ चुकम गाँव भी है और साथ ही रिवर का ये हिस्सा है अभी जिस जगह पर रिवर बह रही है। और इस जगह पे ह्यूमन एक्टिविटी अभी काफ़ी ज़्यादा है गाइज, तो इसीलिए मैं भी थोड़ी इस जगह पे आया हूँ और आपको दिखाता हूँ एक बार जो चुकम गांव का नज़ारा इस जगह से देखने को मिल रहा है उसे, और फिर चलते हैं इस जगह से वापस अपने घर की तरफ जैसा कि सुंदर खाल। तो इस बीच में अभी शाम का समय भी है, यही कोई शाम के 6:30 से अधिक का समय हो चुका है। और अभी है क्या, जैसे जैसे शाम इस जगह पर आगे बढ़ती जाएगी तो वाइल्ड एनिमल्स की जो साइटिंग है गाइस वो आगे कोरे एरिया से हमें देखने को मिल जाएगी। बकायदा ये जगह भी ऐसी है गाइस, इस जगह पे दिन दहाड़े बीच में एक टाइगर मूव कर रहा था जो देखने को मिल रहा था। फिलहाल अभी टाइगर की कुछ अपडेट इस जगह से है तो नहीं, फिलहाल के लिए मैं जो आया था मैं देखने आया था इस जगह से चुकम ब्लेस का नज़ारा कि किस तरह अभी चुकम ब्लेस की तरफ जो पानी का बहाव है वो गया है। सो अभी है क्या, पानी का बहाव उस तरफ इतना तो नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि पानी का लेवल थोड़ी कम हो गया है। तो फिलहाल के लिए आपको फिर भी एक झलक दिखाता हूँ अभी चुकम ब्लेस की। तो ये सामने अपने चुकम ब्लेस, ये देखिए कुछ घर दिखाई दे रहे हैं और ब्लॉक से ऊपर की तरफ भी पानी का फ्लो इस जगह पे गया हुआ है, क्योंकि आगे जो ब्लॉक्स के उधर के साइड की मिट्टी है ना गाइस, जो ज़मीन है उसमें कटाव देखने को मिल रहा है इस जगह से, क्योंकि पानी ने इस ब्लॉक्स को भी कवर किया हुआ था और मिट्टी को आगे की तरफ काटा हुआ है जो कि गांव की तरफ का हिस्सा है उसे। और अभी शाम के समय कुछ इस तरह का दृश्य इस जगह से देखने को मिल रहा है गाइस। तो चीज़ें तो कुछ ऐसी ही हैं, अभी ह्यूमन एक्टिविटी भी है और शायद कुछ लोग अभी नज़र आ रहे हैं जो मेरे को इस जगह पे, क्या पता ये रिवर को भी क्रॉस करें अभी, तो देखते हैं अगर ये रिवर क्रॉस करते हैं तो आपको रिवर क्रॉस करते हुए दिखाते हैं। बाकी है क्या, थोड़ी देर बाद इस जगह से मैं वापस चलूँगा अपने घर की तरफ, क्योंकि अंधेरा होने से पहले पहले इस जगह से मैं आगे की तरफ निकल जाऊँगा। और सामने ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है गाइस जो कोसी रिवर अपने साथ में लेकर आई है बहाकर। तो चीज़ें तो कुछ इस तरह की नज़र आ रही हैं, और सामने कोसी रिवर का ये फ्लो, ये देखिए कितना तेज पानी इस जगह पे चल रहा है, देख रहे हैं काफ़ी तेज पानी चल रहा है गाइस इस जगह पे। तो अभी है क्या गाइस, काफ़ी देर से मैं इस जगह पे रुका हुआ हूँ, मुझे लगा कि शायद इस जगह से जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो हमें
इस रिवर को क्रॉस करती हुई नज़र आएगी, बट ऐसा कुछ है नहीं अभी इस जगह से। तो चलो चलते हैं वापस इस जगह से, और आगे का जो सफ़र है गाइस कोर एरिया का, वाइल्ड लाइफ वाली जगह, तो उस जगह पे चलते हैं। हो सकता है कि हमें अभी शाम के समय कुछ साइटिंग हो जाए, अगर होती है तो वेल, अदरवाइज गाइस क्या ही कह सकते हैं, शाम का जो समय ही है उसे तो हम ज़रूर इन्जॉय कर ही पाएंगे, है ना। तो अभी चल रहा हूँ मैं इस जगह से, और इधर की तरफ कुछ लोग अभी भी हैं। ये देखिए लकड़ियाँ, पेड़ पौधे जो बहकर आई हैं अभी रिवर में, तो कुछ इस तरह से ये चीज़ें इस जगह पे देखने को मिल ही रही हैं। तो फाइनली अभी मैं तो निकल चुका हूँ कोसी रिवर से आगे की तरफ, और आगे जो ये ग्रास देखने को मिल रही गाइस, ये हो रही है इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा घनी। तो इस ग्रास को देखकर ही अभी मैं टाइम से इस जगह से निकल रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा होता है ना गाइस, इन क्षेत्रों की तरफ जो वाइल्ड लाइफ होती है ना, फिर वो हो जाती है एक्टिवेट, फिर उसमें आप कह सकते हैं शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के जानवर इस जगह से देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए पहले खुद को सेफ करना और उसके बाद चीज़ों को एक्सप्लोर करना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अभी मैं थोड़ी इस जगह से निकल रहा हूँ। नहीं तो अभी मन तो कर रहा है कि इस जगह पे कुछ देर और रहता, चीज़ों को और अच्छे से देखने का प्रयास करता, बट क्या ही कह सकते हैं, समय की जो पाबंदी है गाइस उस हिसाब से ही चलना पड़ता है, अदरवाइज चीज़ें है क्या, ना तो समय हमारे अकॉर्डिंग चलता है और ना ही वाइल्ड लाइफ, तो दोनों चीज़ें अपने अपने अनुसार इस जगह पे देखने को मिलती हैं, चलती हैं। तो क्यों ना थोड़ी उन चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए हमें भी अपने आगे की जो एक्टिविटी गाइस वो करनी चाहिए। ये देखिए मैं आ चुका हूँ मोहन का जो रिहायशी इलाका है, तो रिहायशी इलाके में अभी मैं आ चुका हूँ, और रिहायशी इलाके के बाहर की तरफ अभी मैं इस जगह पे घूम रहा हूँ गाइस। पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से शांत, और जब जंगल शांत होता है ना तो फिर उस जगह पे और भी ज़्यादा डर लगता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शांत है, अगर इस जगह पे स्पॉटेड सांवर डियर या फिर अदर्स कुछ एनिमल्स नज़र आते ना तो एक बार के लिए इस जगह पे डर थोड़ी कम लगता, बट इस जगह पे ना तो अभी एनिमल्स नज़र आ रहे हैं और ना ही नज़र आ रहा है कोई ह्यूमन बींग्स, तो इस तरह की जगह ऑलरेडी खतरनाक हो ही जाती है गाइस, क्योंकि ये नदी का किनारा है और इस जगह पे फिर जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा भी है। ये देखिए साइन बोर्ड, जिसे कि आपको हम कई बार दिखाते रहते हैं, इस साइन बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जगह ना बाघ प्रभावित क्षेत्र है और इस जगह पे पैदल चलना मतलब मना है गाइस। तो फाइनली गाइस अभी है क्या, मुझे हो चुकी है इसी जगह से रात, और अंधेरा सामने आपको नज़र आ ही रहा है, तो चलो चल रहे हैं अभी।
यहाँ से ख़त्म हो जाता है अपना मोहान का क्षेत्र और ये स्टार्ट हो जाता है अपना कोर एरिया। तो गाइज अभी मैं चल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा स्लो और अभी है क्या वाइल्ड एनिमल्स की अगर साइटिंग होती है तो वो आपको दिखाई जाएगी और अंधेरा भी हो चुका है। देखो चीज़ें किस तरह की रहती हैं अभी। जीरो पॉइंट के काफ़ी क्लोज अभी मैं पहुंच चुका हूं, बट जीरो पॉइंट पर अभी मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि अंधेरा हो चुका है और जीरो पॉइंट पे रुकने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसलिए कंटिन्यूसली गाइस आगे बढ़ता जा रहा हूं। और अभी तो शाम के समय ही देखो चंदा मामा भी आ चुके हैं, अंधेरा हो चुका है और चंदा मामा ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अभी जीरो पॉइंट तो क्रॉस कर लिया है मैंने और है क्या गाइस काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और साइटिंग अभी मोहान से जीरो पॉइंट तक जीरो देखने को मिली है और आगे का अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी तो चीज़ें है क्या जिस एरिया तक लाइट जा रही है ना उस एरिया तक ही अभी मैं चीज़ों को कवर कर पाऊँगा और जंगल की तरफ किस तरह की अभी हलचल है वो थोड़ी देख पाना इस समय कठिन हो जाता है। तो अभी धनगढ़ी गेट के पास में पहुंच चुका हूं मैं और इस जगह पे है क्या गाइस पूरी तरह से शांति इस तरफ भी देखने को मिल रही है और चीज़ें रात के समय कुछ इस तरह से धनगढ़ी गेट से देखने को मिलती है और सामने की तरफ का फॉरेस्ट जो है गाइस अभी इस पे अभी मैं चल रहा हूं और इधर की तरफ अपना व्यू आ रहा है
साथ में चंदा मामा देखने को मिल रहे हैं। मोहान से धनगढ़ी क्रॉस कर लिया और इस बीच भी मुझे साइटिंग के मामले में चीज़ें अभी जीरो नज़र आ रही हैं। तो है क्या गाइस, थोड़ी क्लियर नहीं हो पा रहा है चीज़ें ना कि साइटिंग का समय कौन सा बना हुआ है अभी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, दिन छोटे होने लगे हैं और अंधेरा जल्दी होने की वजह से ना थोड़ी चीज़ें ऑब्जर्व करने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि पहले अंधेरा होने से पहले हमें इस जगह से साइटिंग हो जाती थी और अभी साइटिंग हो नहीं रही है गाइस। तो मैं पनौत के बड़े नाले के पास भी पहुंचने वाला हूं और इस बीच में मुझे साइटिंग के मामले में चीज़ें ना गाइस जीरो ही नज़र आ रही हैं। ये चीज़ें मैं नहीं भी तो कई बार बोल चुका हूं इस कंटेंट में कि अभी साइटिंग के मामले में चीज़ें पूरी तरह से शांत हैं, किसी तरह की कोई साइटिंग इस जगह से नहीं देखने को मिल रही है। एक प्लस पॉइंट है कि अभी पनौत के बड़े नाले के पास में ना काफ़ी सारी गाड़ियां मुझे मिल गई हैं, तो थोड़ी इनका सहारा भी अभी इस खतरनाक जगह पे मिला है मुझे, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
तो फाइनली अभी गांव के पास काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुंच चुका हूं। और है क्या गाइस, अंधेरा भी है और अभी कहीं और घूमने भी नहीं जाया जा सकता। ये देखिए इस तरफ है अपने यहाँ पे प्लांट प्रेशर पॉइंट, और गांव की सीमा के अंदर अभी मैं आ चुका हूँ। तो करते हैं गाइज इस कंटेंट को अभी यहीं पे समाप्त। और था क्या कि आज जो साइटिंग थी वो तो हुई नहीं और चीज़ें थोड़ी शांत नज़र आई हैं, क्योंकि टाइमिंग का थोड़ी इशू हो रहा है गाइज इस जगह पे। टाइमिंग क्लियर नहीं पता चल पा रही है। जैसे ही टाइमिंग क्लियर पता चलेगी तो ज़रूर वाइल्ड लाइफ भी आपको दिखाया जाएगा। बाकी थोड़ी शाम का समय किस तरह का है इस जगह से वो आज आपको देखने को मिला है। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।